हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सत्र से निलंबित किए गए विपक्ष के 5 विधायकों को बहाल करने की विपक्ष लगातार मांग कर रहा है। वीरवार को 5वें दिन विपक्ष ने मौन प्रदर्शन किया, जिसमें 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके वीरभद्र सिंह ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस दौरान वीरभद्र सिंह ने कहा कि यदि वे मुख्यमंत्री होते तो 1 घंटे में विधानसभा का मसला सुलझ जाता। विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन हुए हंगामे के बाद गतिरोध लगातार जारी है। सत्र के 5वें दिन निलंबित सदस्यों सहित विपक्ष ने सदन के बाहर मौन प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी कांग्रेस पार्टी के धरने में शामिल हुए। करीब 1 घंटे तक विपक्ष के मौन के साथ बैठने के बाद वे गेट से ही वापस अपने निवास हॉली लॉज लौट गए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए वीरभद्र सिंह ने कहा कि वे 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, यदि वे मुख्यमंत्री होते तो 1 घंटे में इस मामले को सुलझा लेते। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि यदि जयराम सरकार चाहे तो 5 मिनट में मसले को हल कर सकती है, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है। सरकार में थोड़ा भी तो ये मामला 5 मिनट के अंदर सुलझाया जा सकता था। मैं तो इनको यही कहूँगा अपने सामने को कि प्रोटेस्ट इज प्रोटेस्ट, हमने जितना प्रोटेस्ट करना था कर दिया और ये आवश्यक नहीं है कि हम इतने दिन तक करते रहे। ये मैच अपना रोष जो है वो उसको जाहिर करने के लिए ये किया गया है। पक्ष जो पक्ष है वो उसको चिंता नहीं है और विपक्ष की तो चिंता होनी चाहिए कि भाई जो हमारे रूल है, रेगुलेशन है और दूसरे उनकी लड़ाई एमएलए के साथ नहीं है और ना ही किसी विशेष के साथ है। अरे वो एक दफा मुख्यमंत्री रहे हैं, 21 बजट बजट पास किए मैंने और शांति के साथ शालीनता के साथ कभी कभी हर पूरा है। अगर मैं मुख्यमंत्री होता मैं इसको 1 घंटे के अंदर उनको करना किसी का तनाव जो है लंबे अरसे के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष का काम होता है मुद्दा उठाना और हम भी प्रजातांत्रिक हो जाते हैं। ये सरकार का फर्ज था कि वो विपक्ष को बातचीत करके और उनका ब्यूरो रिपोर्ट सिटी चैनल शिमला।